I'm Dhananjay here from Moksh, and can you take over from me and present in FMG and USMLE? Thank you. Sure, sure. All right, so now the most important part of the session. All right. Before I proceed ahead, a lot of you are talking about MBBS abroad. It's good to think about that. It's good to think about university. All right. But a bigger question arises. Aapko MBBS karna kyun hai? Simple question hai. All right. Why do you want to pursue MBBS? Just for a degree or to practice as a doctor? Quickly, students, I see 50% of you have voted, so rest are still thinking ki degree chahiye ya doctory practice karni hai, apna clinic banana hai, apne naam kya de doctor lagana hai. Do you want to serve the society? What is it? Or you just want a degree? Simple question. Agar practice karna hai as a doctor, to abhi from first year of MBBS aapko bada decision lena hai ki aap पीजी कहां पर करोगे और लाइसेंस कहां पर आपको चाहिए. एंड दैट इज व्हाई फ्रॉम फर्स्ट ईयर यू नीड टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर एफएमजी नेक्स्ट एग्जामिनेशन और यूएसएमएलई. मोस्ट के स्टूडेंट्स प्लानिंग करते हैं राइट अप टू पीजी, एंड द रीजन इज दैट वी आर वेरी क्लियर गेट अ मैच इन द यूएस or get you a license in India. All right, so in the simple maths hai, aapko complete clarity ye maths aa jayegi ki kaun se category mein aap fit ho rahe ho. Ye category samajh lo, you are going to be very much relaxed because you know what you do. So simple hai, mere 40 to 50 lakhs hai, I fall into this category. Every पूछ लो कोई भी मेडिकल कॉलेज हो तो बोल रहे यूएसएमएलई की पढ़ाई कर रहा हूँ. सबको यूएस जाना है फॉर पीजी. क्या रीजन है? अमेरिका में पीजी की ट्यूशन फी नहीं होती है, उल्टा जब पढ़ाई करते हैं तो 2 से 2.5 करोड़ रुपए सैलरी मिलती है 6 साल के अंदर. ठीक है, जिसका बजट 20 से 25 लाख है, नो प्रॉब्लम, आप एफएमजी प्लस एमबीबीएस अब्रॉड कीजिएगा. And then you can get a license to work in India and you can plan for your PG career in India. But without FMGE or without USMLE, MBBS abroad is a complete waste. ठीक है, मोक्ष के साथ हम वेरी क्लियर है, हम आपका करियर बनाना चाहते हैं. वी डोंट वॉन्ट यू टू जस्ट हैव अ डिग्री फॉर द हेक ऑफ इट. ठीक है, नाउ जो लोग पूछ रहे हैं कि अच्छा USMLE में 25 लाख एक्स्ट्रा क्यू होता है, वो इसलिए होता है कि यहाँ पर सीरीज ऑफ एग्जामिनेशन है, सीरीज ऑफ स्टेप्स है, क्लर्कशिप्स वगैरह होता है, एंड उसके बाद जब अमेरिका में पीजी मिलती है तो पीजी के टोटल मिनिमम 6 साल का कोर्स रहता है. अगर मेडिसिन की बात करूं, 3 साल का मेडिसिन, फिर 3 साल का कार्डियोलॉजी. तो ये जो 3 साल का इनिशियल मेडिसिन होता है उसमें मेरी 1 करोड़ की सैलरी रहती है, ट्यूशन फी नहीं रहती है. यहाँ पर 2.5 करोड़ मिलते हैं मुझे, 1.5 करोड़ मिलते हैं एट अ सुपर पीजी लेवल. तो 6 साल में मैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता हूँ, मेरी टोटल इनकम पढ़ते पढ़ते 2.5 करोड़ हो चुकी है, विच इज 10 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट मेड. यहाँ पर 25 लाख एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किए हैं 5 साल के दौरान, साथ में नहीं करने, साल के 5 लाख पकड़ लो, टोटल 25 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. बट बेनिफिट क्या है कि मुझे एक सक्सेसफुल ब्राइट करियर मिल रहा है. इसीलिए स्टूडेंट्स पोलैंड, अल्गेरिया, यू नो, ये जो जॉर्जिया, ये सब कंट्री नहीं जाते जहां पे सिर्फ एमबीबीएस के 60 लाख रुपए देने. डोंट वेस्ट योर मनी, रादर चूज एमबीबीएस इन यूक्रेन, रशिया, चाइना प्लस यूएसएमएलई, सो दैट यू हैव अ सक्सेसफुल करियर ऑफ पीजी. तो ये क्यूएसएमएलई होता कैसे है, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स.
बट ये समझना जरूरी है कि प्लान ए सबका ये रहता है, मॉड्यूल वन का खर्चा ओनली 5 लाख है। इफ यू आर यूएसएमएली केपेबल, नो प्रॉब्लम, आप प्रोसीड करते हो एंड दूसरे एक्सपेंडिचर करते हो, यू डोंट स्पेंड 25, बाद में आपको पता चले पीजी मिल रहा है कि नहीं। बट अगर आपको यूएसएमएली लेवल की नॉलेज नहीं है या फिर आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी फर्दर चार्जेस हम आपको एफएमजी बैच में ट्रांसफर दे देंगे और आप इंडिया का प्लान कर सकते हैं। अगर अब्रॉड ही सेटल होना है तो आपको जर्मन लैंग्वेज की क्लासेस शुरू करवा देंगे और आप पीजी जर्मनी की तैयारी कर सकते हो। ये स्टूडेंट्स का सेकंड ऑप्शन रहता है। और थर्ड ऑप्शन है इंडिया, इंडिया का ये जर्मनी, जर्मनी का ये चक्कर है, इट्स अ वन वे रूट, जर्मन डिग्रीज आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया, तो जो जर्मनी जाते हैं वो जर्मनी में ही सेटल होना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आप सबको होना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, अर्नब, हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, यू विल गेट अ लिंक फ्रॉम मोक्ष काउंसलर्स, ठीक है, डोंट वरी। ऑलराइट, सो यू माइट बी वंडरिंग व्हाई एम आई सेइंग एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएसएमएलई, एमबीबीएस अब्रॉड प्लस एफएमजी, किसी और एजेंट ने तो बोला नहीं, और मोक्ष जो करियर प्लानिंग करते वो क्यों आपको बोलते हैं? सिंपल लॉजिक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 20 से 25 लाख का, 30 लाख तक का आपका खर्चा होने वाला है एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, ठीक है, कोई भी कंट्री में चले जाओ। अब वो मनी आपका कैसे यूटिलाइज हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा और इसके लिए एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो विल यू बाय अ कार और अ बाइक विदाउट इंश्योरेंस इन इंडिया, जैसे आप 1-1.5 लाख की रॉयल एनफील्ड ले लो या फिर 5 लाख की कोई वैगनार ले लो या कोई भी कार ले लो इंडिया में, ठीक है, तो क्या आप बिना इंश्योरेंस के कार खरीदोगे या बिना इंश्योरेंस के बाइक खरीदोगे? I am glad with the answers. So as you can see, 10% of the attendees are going to gamble with their career also. But 90% of you are saying कि नहीं, अगर 1.5 लाख की बाइक खरीदनी है या फिर 5 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो हम इंश्योरेंस खरीदेंगे। Alright? और यही सिचुएशन है ये पूरे MBBS प्रोसेस की। अगर 20 से 25 लाख आप इन्वेस्ट करने वाले हो एमबीबीएस में और अगर 1.5 लाख एफएमजी कोचिंग में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ये पूरा का पूरा पैसा वेस्ट है। दिस 1.5 लाख इज एज गुड एज एन इंश्योरेंस, क्योंकि एफएमजी के बिना लाइसेंस नहीं मिलने वाला, आपकी डिग्री सिर्फ कागज की डिग्री रहेगी। मे बी आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर बाय गिविंग यू ऑफिशियल डेटा, ठीक है, क्विकली आपको डेटा बता क्या रियलिटी है आज की डेट में, ये रियलिटी है आज की डेट में, ठीक है। आपको सब बोल रहे हैं नहीं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चले जाइए, बट क्या आपको बताया जा रहा है कि ये रियलिटी है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन वॉर्न्ड, कि सच्चाई बताई है कि 100 में से 85 लोग जो अब्रॉड जा रहे हैं वो कभी डॉक्टर नहीं बनते, उनके नाम के आगे कभी डॉक्टर लिखा हुआ नहीं होता, उनको लाइसेंस नहीं मिलता। हैज एनीबडी टोल्ड यू दैट ओनली 15% ऑफ स्टूडेंट्स पास द एफएमजी एमसीआई एग्जामिनेशन एंड आर वर्किंग इन मेदांता, फोर्टिस, अपोलो, कोई भी इंडिया की टॉप हॉस्पिटल्स बोलो, ये लोग काम कर रहे हैं, बट ओनली 15% ऑफ स्टूडेंट्स, और जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है 50% ने तो होप छोड़ दिया है लाइफ में, कोई और फील्ड में चले गए, 30 लाख बर्बाद हो गए, और जो 50% है वो कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं सालों साल, 3-3, 4-4 साल तक, आज तक एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज पढ़ाई फर्स्ट ईयर से नहीं की थी, एंड इसका रिजल्ट ये है आज की डेट में दैट देर आर अबाउट 25,000, कितना, 25,000 डॉक्टर्स इन इंडिया जो 2012 से लेके यहां तक गए हैं और आज तक पास नहीं हुए।
तो वी आर वेरी क्लियर एट मोक्ष, वी वॉन्ट ऑल अवर स्टूडेंट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस 15% हु आर वर्किंग इन टॉप हॉस्पिटल्स. वी डोंट वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ 85% जो कागज की डिग्री लेकर आए हैं और पूरा 30 लाख पेरेंट्स का वेस्ट कर दिया है. इसीलिए हम डे वन से ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि डू नॉट गो अब्रॉड फॉर MBBS विदाउट FMG ऑनलाइन कोचिंग. बिना FMG कोचिंग के MBBS अब्रॉड जाना इज अ वेस्ट. क्यों आपको 30 लाख 40 लाख वेस्ट करने हैं आपको? अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है फर्स्ट ईयर से, ये समझने के लिए आपको पहले MBBS समझना पड़ेगा. MBBS 6 साल का प्रोग्राम रहता है और एग्जाम 6वें साल में आती है, FMG हो या नेक्स्ट एग्जाम हो. एग्जाम एक बात है, बट रियल लाइफ की बात करें तो आपको पेशेंट केसेस जब देखने होंगे तो वो पेशेंट केसेस भी आपको आने वाले हैं आफ्टर ग्रेजुएशन. तो आप पेशेंट को नहीं कह सकते कि मैं फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट भूल गया हूं. तो MBBS ट्रेडिशनली इज प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, ये 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है. एंड एवरी सब्जेक्ट हैज लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस. जैसे एक इमारत होती है उसका फाउंडेशन होता है, इसी तरह से MBBS का फाउंडेशन ये बेसिक मेडिकल साइंस के सब्जेक्ट्स है. एनाट, बायोकेम, पैथो, फिजियो जो आपको फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं, पैथो, माइक्रोबायो, फार्मैक यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं. अगर ये वीक है, अगर ये कंटिन्यूस रिवाइज नहीं किए तो आप कभी भी पेशेंट केसेस सॉल्व नहीं कर सकते हो. एग्जाम इज अ सेकेंडरी थिंग. अल्टीमेटली हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम पेशेंट्स को ट्रीट करें, अपनी प्रैक्टिस चालू करें. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो अगेन एजेंट्स कभी बताते नहीं है इंडिया में, PSM करके जो सब्जेक्ट है, इंडिया में अलग रहता है, रशिया में अलग, चाइना में अलग, यूक्रेन में अलग, FMT और फार्मैक के थोड़े थोड़े ड्रग्स थोड़े अलग रहते हैं. तो देर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट जो इंडिया वे में होता है, जो आपको पढ़ाई इंडियन वे में करनी पड़ती है डे वन से, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइसेंस इंडिया का चाहिए, प्रैक्टिस इंडिया में करना है. बट ये कभी आपको एजेंट बताएंगे नहीं, क्योंकि उनका तो काम है अब्रॉड भेजना. MBBS के दौरान आपसे इसका क्या हो रहा है, दे डोंट केयर. उनको क्या फर्क पड़ता है रिजल्ट 85% आए या 15% आए, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ द मोक स्टूडेंट टू बी पार्ट ऑफ दिस 85% हु जस्ट हैव डिग्री ऑन पेपर विदाउट एनी लाइसेंस. ऑलराइट, नाउ इफ आई आस्क यू कि आपको कौन सा स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है, मैं पूछूं आपको क्या बनना है, तो मुझे पता है लोग कहेंगे हमें मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनना है, साइकियाट्रिस्ट बनना है, सर्जन बनना है, यू विल गेट ऑल पॉसिबल नेम्स. ऑलराइट, तो इसका भी को रिलेशन है. अगर मेरा अनैट अच्छा नहीं होगा तो आई कैन नेवर थिंक ऑफ बिकमिंग अ सर्जन. अगर मेरा अनैट अच्छा नहीं होगा, मैं ऑर्थोपेडिक्स नहीं सोच सकता हूँ. बायोकेम, फिजियो, पैथो अगर अच्छा नहीं है तो मैं कभी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं बन सकता हूँ, पीडियाट्रिशियन नहीं बन सकता हूं. तो हर सब्जेक्ट का को रिलेशन है लाइफ के आगे जाके जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है जिसमें आप पीजी करने वाले हो. तो अगर आपने ये पढ़ाई डे वन से MCQ बेस्ड, पेशेंट केस बेस नहीं किया, रादर देन लर्निंग सब्जेक्ट सिस्टम बेस नहीं किया, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है. लेट मी टेल यू, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू थिंक, ओपन योर आईज, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड. सोशल मीडिया, फ्रेंड्स, न्यू फ्रेंड, न्यू कल्चर, MBBS जैसे इंपॉर्टेंट टास्क में जा रहे हो तो आपको अवेयर फर्स्ट ईयर से होना चाहिए. इसीलिए मोक्ष हमारा ऑनलाइन कोचिंग हम ऑफर करते हैं. ऑलराइट, एंड व्हाई मोक्ष FMG कोचिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है. तो इसके लिए जानना है 85% जो फेल होते हैं वो क्या करते हैं. 85% जो फेल होते हैं उसको कुछ ना कुछ एजेंट चीट करके कहते हैं आप XYZ यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां इंडिया से प्रोफेसर आएंगे, पास हो जाओगे. एक एक दो दो हफ्ते के लिए आते हैं और 19 सब्जेक्ट आपको एक एक हफ्ते में सिखाएंगे. कैसे पास हो गया? जो नॉलेज 1 साल में होनी चाहिए वो 1 हफ्ते में क्लियर करते हैं. दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स पीपल फेल. फिर कुछ एजेंट कहते हैं ये तो बहुत इजी एग्जाम है, आराम से निकाल लोगे, आप सिर्फ इंडिया में आ जाइए, 6 महीने में कर लो, हो जाएगा.
लेट मी टेल यू, ये जो 6 महीना होता है वो रिवीजन का होता है, इसमें नई पढ़ाई इंडिया वे में 19 सब्जेक्ट्स नहीं कर सकते। मोक्ष ने क्या किया है, हम एवरी डे स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्डिंग एंड सैटरडे संडे लाइव लेक्चर्स। तो देयर इज अ कंप्लीट कोरिलेशन इन मेडिकल स्कूल। डाउट सॉल्विंग 5 साल के लिए रहता है, मेमोरी टूल्स दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल का, तो कंप्लीट सपोर्ट दिया गया है स्टूडेंट्स को। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। सो अनलेस यू गो फॉर कोचिंग फॉर 5 years ओवर द वीकेंड सैटरडे संडे सिस्टमैटिकली टॉट बाई इंडिया एंड इंटरनेशनल फैकल्टीज, यू हैव बीन टेस्टेड एवरी वीक एवरी मंथ विद अ डिटेल्ड फीडबैक, तब जाके ये एग्जाम 15% ऑफ लोग पास करते हैं। ऑल राइट, एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी पार्ट ऑफ दिस 15%। ऑल राइट, एंड अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोज हु आर नॉट अवेयर, लेट मी क्विकली टेल यू द रियलिटी। इंपॉर्टेंट अपडेट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी 2019, गवर्नमेंट हैज प्रपोज्ड दैट दे माइट मर्ज नीट एंड एफएमजी। पहले कैसा था, जो अब्रॉड जाते थे बच्चों को एफएमजी और नीट अलग दो एग्जाम देनी पड़ती थी, और जो इंडिया में होते थे वो अगर किसी यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ रुपए दे दे तो वहां वहीं पे वहीं एमबीबीएस बन जाते थे। अब ऐसा नहीं है, चाहे आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो, सबको एक एग्जाम देनी पड़ेगी जिसका नाम है नेक्स्ट, विच विल बी अ ड्यूअल रोल, जिसमें एग्जिट एग्जाम के रोल प्ले करेगी प्लस पीजी का एडमिशन मिलेगा। और ये जो नेक्स्ट एग्जाम है वो पेशेंट केसेस फोकस्ड रहेगी, तो अगर डे वन से आपने पेशेंट केस नहीं सॉल्व किए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, लेट मी टेल यू। ऑल राइट, सो योर फोकस हैज टू बी लर्निंग पेशेंट केस वाइज। ऑल राइट, एंड दैट इज वाई नेक्स्ट का प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ मोक्ष आर गोइंग टू गेट अ लॉगिन आईडी पासवर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of July to have a free access to the FMG next module or USMLE depending on what they want to study. All right, so main bata deta hu students kaise padhte hain currently on the Moksh platform. So everyone gets this login ID password, theek hai, jahan par unka curriculum hai depending on the program. Ye ek student ka hai जो USMLE पढ़ रहा है विथ मोक्ष। ऑलराइट, सो फॉर हिम यू नो ही हैज हिज एंटायर करिकुलम मेंशन्ड हियर, उनका जो स्टडी स्केड्यूल है वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है, क्या ड्यू डेट में उनके असाइनमेंट्स है वो डिफाइंड है, क्वेश्चन बैंक्स असाइंड है, एंड जो टीचिंग होता है वो टॉपिक सब टॉपिक वाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम देख लेते हैं, derived sugar example, so every student watches a small snippet 5 minutes conceptual video on a particular topic which is followed by a quiz on the topic. All right, uske baad usi ke related industry mein article hai, to ek article you know he can refer to so that exactly kya ho raha hai wo bhi unko pata chale in the actual domain, right? And of course students ke paas memory tools hai to remember these things on a better way, plus wo video related notes download karne hai to aap notes download kar sakte ho, koi mistakes report karni hai wo kar sakte ho, faculties ko doubts puchna hai you can just type here and within 3 days faculties aapko doubts solve kar degi. To isi tarah aapko सब स्टूडेंट को मोक्ष के साथ रजिस्टर्ड फॉर एमबीबीएस अब्रॉड और सैंपल ट्रायल लॉगिन्स मिल जाएंगे फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई। ऑलराइट, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस हाउ ऑल द मोक्ष आर स्टडीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, दैट इज द ब्यूटी दैट कंटिन्यूज उनको
सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो इंडिया में पढ़े, रशिया में पढ़े, चाइना में पढ़े, यूक्रेन में पढ़े. इट दिस एंटायर लर्निंग हैपेंस पैरेलल टू देयर मेडिकल स्कूल. ऑलराइट, सो इट डजंट मैटर विच कंट्री यू आर स्टडिंग इन, अल्टीमेटली यू हैव टू अपियर एग्जाम फ्रॉम द फर्स्ट ईयर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. ऑलराइट, सो नाउ an important thing, so how many of you are actually thinking about USMLE, because FMG, as I told you, is an option for somebody who manages up to 20 to 25 lakhs ka budget. But if you have a little higher budget, then I can talk about USMLE option as well. All right, so quickly let us understand what's a budget, because that gives a complete clarity whether you can think about USMLE or not, because USMLE is the best option. However, it requires a particular budget. Yes, yes. Even if you are doing from India, next is compulsory. India or abroad, next is compulsory. All right. What are you sleeping? अभी हमको बताया, NEET is an examination. This is a combination of FMG and NEET PG. जो हर बच्चों को देना पड़ेगा अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो. रिचर्ड, यस, वेदर यू स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड, नाउ एवरीबडी हैज टू गिव इट. आई होप दिस इज क्लियर. ऑल राइट, सो नाउ दोज हु हैव क्वेश्चंस रिगार्डिंग USMLE, दे कैन आस्क. ऑल राइट, Any questions regarding the USMLE process? Quickly, let me let you know why to choose USMLE. Simple reasons. USMLE option kyun preferred hota hai? US ki PG degree world ki maximum countries mein recognized hai. India mein to hai hi hai. Admission easily milta hai India ke compare mein. Selection ratio higher hai. पीजी करते करते 35 लाख की सैलरी है, नो ट्यूशन फीस. जो लोग यूएसएमएलई की पढ़ाई करते, भले वो डिफिकल्ट एग्जाम है न भी क्लियर कर पाए, तो एफएमजी तो आराम से निकल जाता है. इजीली माइग्रेट कर सकते हो अमेरिकन पीजी डिग्री होगी तो. दूसरा, कुछ एजेंट फंसा रहे कि पीजी डिग्री रशिया चाइना से कर लो तो इंडिया में रिकग्नाइज रहेगा, बट रशियन एंड चाइनीज पीजी डिग्री इज नॉट रिकग्नाइज. राइट, एंड जो लोग MCI ने एक नोटिफिकेशन डाला है कि अगर हम रिकॉग्नाइज फ्यूचर में करेंगे तो भी दो क्राइटेरिया रहेगा, हर बच्चे को FMG प्लस PG की सबसे डिफिकल्ट एग्जाम DNB देनी पड़ेगी, उसके बाद शायद PG डिग्री रशिया और चाइना की रिकॉग्नाइज रहेगी. तो बिकॉज ऑफ नो ट्यूशन फी, हाई एडमिशन रेशियो, हाई सिलेक्शन रेशियो, गुड सैलरी, ग्लोबल रिकॉग्निशन, पीपल सिलेक्ट USMLE पाथवे, जहां पे आपका खर्चा 25 लाख एक्स्ट्रा है but returns are 10 times more. German PG 20 lakhs. Yes, Richard. Pravesh and Richard, yes, USMLE is the best option. In fact, every student in India prefers US as the first option. Germany PG का ये problem है कि German is a one way route. German degrees are not recognized in India. इसीलिए सब student USMLE सोचते हैं, क्योंकि USMLE is a global degree. DNB is the final exam of PG. जो PG अगर रशिया चाइना से किया तो देना पड़ेगा, मगर अगर USMLE करके अमेरिका से PG किया तो नहीं देना पड़ेगा. प्रवेश कुमार, आप MBBS कोर्स के लिए जा रहे हो, कोई और कोर्स के लिए नहीं जाते हो, ठीक है? तो ये जो सपने आपको दिखा रहे हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके पैसे बना लोगे, प्लीज डू नॉट इवन थिंक ऑफ.
आपको एमबीबीएस कोर्स में टाइम नहीं मिलता है, आपको 5 साल पढ़ाई के लिए फोकस करना है, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस करना है, वरना लाइसेंस नहीं रहेगा, सिर्फ कागज की डिग्री रहेगी, 30 लाख वेस्ट हो जाएंगे। तो सोचो भी मत पार्ट टाइम का, फोकस करो पढ़ाई करने में। ऑलराइट, तो यूएसएमएलई ऑप्शन इज एब्सोल्युटली नॉट फॉर एवरीवन, ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू वर्क हार्ड एंड लेटर ऑन हैव अ गुड लाइफ, यू नो, हैव अ मिनिमम सैलरी ऑफ 2.5 करोड़, इट इज फॉर देम बेसिकली। ठीक है, बिकॉज़ यूएसएमएलई में खर्चा सिर्फ पहले स्टेज में होता है, जो भी खर्चा होता है वो यहाँ पर होता है, इनिशियल जो स्टेज वन है बस वहीं पे खर्चा है, टोटल खर्चा 40 to 45 लाख। अब इतने खर्चे के बाद जब पीजी होती है तो 3 साल के पीजी में 1 करोड़ की सैलरी है, तो इनकम यहाँ पर चालू हो, और जो सुपर पीजी है तो 1.5 करोड़ की सैलरी मिलती है। राइट, तो ये जो है उसमें आपको मिनिमम एमबीबीएस के बाद पीजी करते करते 2.5 करोड़ की आपकी सैलरी हो। ऑलराइट, एंड जो खर्चा है उस स्टेज वन पे है। जो लोग एफएमजी सोच रहे हैं और इंडिया में पीजी सोच रहे हैं, इंडिया में तो पीजी मिलता है और इंडिया में प्राइवेट कॉलेज में जाओ तो पीजी के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए आपको फी देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट में तो सीट अवेलेबल ही नहीं है, और सुपर पीजी के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए और देने पड़ेंगे। तो जो बच्चा यूएसएमएलई करता है ही इन द एमबीबीएस के 6 साल, पीजी के जो 6 साल में 2.5 करोड़ रुपए कमाता है, और जो इंडिया में पीजी की सोच रहा है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट में तो मिलता नहीं है कोटा की वजह से, और प्राइवेट में मिनिमम 3 से 4 करोड़ रुपए डालने पड़ते हैं, तो आपको सोचना है कि यहाँ पर 20 लाख सेव करके ये अचीव करना है कि फिर एफएमजी करके यहाँ पर फंसना है, क्योंकि नीट में नीट पीजी एक अलग एग्जाम है, नीट सुपर स्पेशलाइजेशन वापस अलग एग्जाम है, तो इंडिया में कंपटीशन बढ़ती है। यहाँ पर हर 10 लोगों में एक को एडमिशन इंडिया में मिलता है, यहाँ पर हर 100 लोगों में एक को एडमिशन मिलता है, तो बहुत डिफिकल्ट है इंडियन ऑप्शन। कंपेयर टू दैट यूएस में इट इज डेफिनेटली बेटर। यूएसएमएलई का पास रेट अगर देखते हैं, एफएम का तो हमने देख ही लिया था 15% से भी कम है, अगर यूएसएमएलई का देखते हैं, सिंपल है, usmle.org पे जाना है, पास रेट देखोगे इट इज मोर देन 80%, बट ऑफ कोर्स नो, तो नोबडी सेज यू विल नॉट वर्क हार्ड, नहीं हो पाएगा, बट इफ यू वर्क हार्ड यूएसएमएलई इज द बेस्ट ऑप्शन। परफॉर्मेंस डेटा में चले जाइए, 2018 में चले जाइए, दिस इज द रियलिटी। ठीक है, 80% of students pass, FMP only 15% student pass, and that is why USMLE is the preferred option among Indian students. Indian MBBS करते हैं, वो भी prefer है USMLE करना। ठीक है, I hope your students, now if there are any questions, we'll quickly take it because we have a very important session happening for all our registered students in another half an hour. अमेरिका के बहुत बड़े डॉक्टर अभी एक सेशन करने वाले हैं, सो इन नेक्स्ट 10 मिनट्स वी हैव टू एंड सेशन, एंड देन ऑल बुक्स रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स आर इन बीन इनवाइटेड टू अटेंड दैट सेशन। आई टोल्ड यू आदिल, द टोटल कॉस्ट इज 20 to 25 लाख, तो टोटल कॉस्ट यूएसएमएलई और एमबीबीएस अब्रॉड मिला के 40 to 45 लाख का होता है। ठीक है, रिचर्ड चोनी, द स्टेज वन कैन बी इन एनी कंट्री बिकॉज एमबीबीएस यूएसएमएलई एग्जाम्स ऑनलाइन होता है। ऑलराइट, तो स्टेज वन कैन बी एनी कंट्री। ऑलराइट, अनम फतिमा, यू कैन आस्क द क्वेश्चन राइट नाउ, यू कैन टाइप इट द वे द प्लेस वेर यू आर टाइपिंग इट।
So students of MOOCs study in India, Russia, China, Ukraine, but parallelly on a Saturday, Sunday, have live lectures from international faculties. On a weekday, they use the same LMS panel where they, you know, practice on the content. So it's a completely integrated solution for the results. All right. No, if it is MBBS in USA, it is almost more. It is almost 90 lakhs. MBBS in US is expensive. With USMLE, 40 to 45 lakhs. Anam Fatima. Oh, you have a... Okay, so you can consider Odessa. You can consider which universities? Oh, you are NEET qualified? All right. All right, if you are NEET qualified in Ukraine, you have Bukovinian. All right. How much is your budget, Anam? Vinitsa. So, ekdam simple hai. Ivano. Now, if you want to know which university based on your NEET marks, ki website upar chale jaiye, sara information aapko mil jayega. All right. So, you can choose even University along with FMG coaching. Vishnu Prasad, German P 20 lakhs. That should be your budget. 20 lakhs other than your MBBS abroad. It can go up to 50 lakh rupees. Yeah, so go on, choose your university. Maybe USMLE is better because US degree is recognized here, cheaper. And of course, globally recognized. So, यहाँ पर आप चले जाओ, अनाम, you can just see Ukraine as an option. And based on your NEET marks, you can choose the university. So, based on NEET marks, you can see which university you can go for and your budget. So, Bukovinian is, I think, fitting your budget. All right. Select university on your budget. Absolutely, yes, you can go to Vinitsa. Along with it, you have to go for FMG coaching. As I told you, do not risk your career. So it will be Vinitsa plus FMG coaching for you, and you are set. All right. Any other questions regarding FMG or USMLE students? Because we have just last 2 minutes and then we'll have to end the session because there is a very important international faculty lecture for all the MOOCs students right now. Those who are studying USMLE and FMG with MOOCs, they are attending an American faculty lecture right now. Anam Fatima, USMLE ka budget 20-25 lakhs se bar jata hai. So Vinitsa plus USMLE will make it around 40 to 45 lakhs ka budget. All right. So Vinitsa ka, you can see the expenditure yahan pe likha hua hai. Vinitsa is 25 lakhs. All right. And another 20 lakhs in USMLE. So 45 lakhs ka budget pakad ke chalo. And Bukovinian is 20 lakhs. All right, so you can save another 5 lakh rupees. So you choose your university tab or MOOCs platform, and all your queries will be solved. Anam, we are only recommending the best ones. Okay, Lviv, Bukovinian, Vinitsa. And how are we deciding? Very simple. Okay, very simple. यहाँ पर आप चले जाइए यूनिवर्सिटी रशिया परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स ऑन एफएमजी यूक्रेन में चले जाइए और आपको पता चल जाएगा यहाँ पे इग्नोर करके एक एक दो दो स्टूडेंट है ठीक है अदरवाइज ये लिस्ट देखिए बेस्ट लिस्ट बुकोवीनियन लवीव और विनेत्सा सेफ जोन में है नो प्रॉब्लम विद एमसीआई पासिंग रेट
वॉर जोन में है तो हम रेकमेंड नहीं करते, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास सिलेक्ट करने के लिए, डिपेंडिंग ऑन द बजट विच यू हैव, बजट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ऑलराइट, लेट मी पिक अप एनी फर्दर क्वेश्चंस क्विकली, लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू टेक, लास्ट टू क्वेश्चंस क्विकली। रहमतुल्ला सेम ऑप्शंस, लवी विनीत्सा, And Bukovinian. All right. Richard, you should go for definite USMLE. So Lavi plus USMLE, Vinitsa plus USMLE, Bukovinian plus USMLE. You know, these are options available for you. Pallavi, we don't recommend these options. We recommend countries which are really good and universities which are good. Right, so first option China, Ukraine, Russia, Belarus, only one university, set, because we only check the best rankings English speaking. Mind you, if your language of instruction is not in English, it will be very difficult. All right, so be very careful in selecting the universities. China will be difficult, Rahmatullah, because majority of universities full ho chuki hai. Great students, so it was I hope the session was useful. For any further doubts, you can always do the live counselors with the counselors. Call up on the hotline number. Or join us on the webinar tomorrow, same time, soon in the next webinar tomorrow. Thank you very much and have a great career ahead. All the very best to all the students. Thank you very much.